झांसी के मोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने गए 8 माह की गर्भवती महिला, पति एवं उसकी जेठानी के अधीक्षक एवं उनके कर्मचारियों के द्वारा की गई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। पीड़ित गर्भवती महिला के पति ने सुसाइड की चेतावनी दी तो वहीं उप जिलाधिकारी ने लिखित बयान लेते हुए जांच के बाद कार्यवाही का हवाला दिया। उक्त मामले के शिकायती पत्र के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने से परेशान गर्भवती महिला के तिमारदारों ने एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसमें उप जिलाधिकारी के समक्ष पीड़ित 8 माह की गर्भवती महिला के तिमारदारों ने मोट उप जिलाधिकारी को लिखित अपने बयान दर्ज कराते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वो बेहद परेशान है। शिकायत के बावजूद उक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर कार्यवाही नहीं हुई। उसने उप जिलाधिकारी से शिकायत की है, अगर उसकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं होती है। पीड़ित तिमारदार रोहित का आरोप है कि उसे जाति सूचक शब्दों से अपमान किया गया। पीड़ित ने न्याय न मिलने पर सुसाइड की चेतावनी दी है। ये तो अब इज्जत तो चली गई, ये सुसाइड कर लेंगे। रोहित कुमार मेरा नाम है। कल मैं मोड़ स्वास्थ्य केंद्र में दिखवाने गया था तो मेरी वाइफ को धक्का दे के गिरा दिया गया, जो कि 8 महीने से गर्भवती है। मुझे पीटा गया, बाबा मेरी भाभी को हाथ पकड़ के मरोड़ दिया गया, खींचा गया। जाति सूचक बेइज्जती कर रही है मेरी, जिसके लिए हम कल शिकायत पत्र देने था। जे सुमित मिश्रिया हैं, अधीक्षक मेडिकल के। इसकी शिकायत करने मोड़ थाने कल विगत रात 10 बजे तक बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज SDM उप जिलाधिकारी महोदय ने फ़ोन करके बुलाया है, दोनों पार्टियों को बिठाया। तो आए थे SDM के पास, क्या हुआ? अभी आए थे, अभी थोड़ी देर पहले साहब ने बिठाया, बोले ठीक है लिखित बयान दो, उन्हीं को ज्ञापन देने की, उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं, जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे? नहीं करते तो अब इज्जत तो चली गई, ये सुसाइड कर लेंगे। मोट उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला संज्ञान में आया था। स्वास्थ्य अधीक्षक एवं पीड़ित पक्ष दोनों को बुलाया था, दोनों के लिखित बयान लिए गए। स्वास्थ्य एवं तहसील की संयुक्त टीम बनाकर जांच कर देखिए। कल एक प्रकरण 3-4 बजे के आसपास संज्ञान में आया था। एक किरण कोरी हैं, यहीं बमरौली स्टेट, जहाँ बमरौली जो जहाँ पर ये तहसील है, गांव है, रोहित कुमार उनके पति हैं, तो उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि वहाँ पर कुछ जो इलाज कराने गए थे तो वहाँ पर कुछ विवाद हो गया था। तो आज दोनों पक्षों को बुलाया गया था और दोनों पक्षों की बातों को सुनी गई है। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, तो दोनों पक्षों को अवगत कराया गया है कि आप अपनी लिखित शिकायत यहाँ पर उपलब्ध करा दें और अपना बयान दे दें। और इसमें एक टीम बनाई जा रही है, टीम जांच करेगी, जांच के उपरांत जो भी चीज़ें, जो भी सत्यता पाई जाएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।